जनपद मैनपुरी में पूरे प्रदेश के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य की अध्यक्षता में कलेक्टर पर नारेबाजी की। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय लखनऊ उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं को अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि उनकी फसलों का वाजिब दाम गन्ना की फसल पर 450 रुपए की बढ़ोतरी की जाए और गन्ना किसानों के बकाए मूल्य का तत्काल भुगतान किया जाए। बीजेपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर किसानों के विरुद्ध लिखे गए मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए और समय रहते किसानों के हित की बात की जाए। आए दिन कांग्रेस जो है ना धरना प्रदर्शन करती हुई नज़र आती है, कहीं अनुष्का पांडे को लेकर तो कहीं के और मामले को लेकर। आज जो है ना किस मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी पार्टी भाजपा की जो जनविरोधी नीतियां हैं जी, जिसमें किसान भी शामिल है, किसानों की समस्याएं हैं, जो महंगाई बढ़ रही है। यदि आप देखें कि प्याज की स्थिति कहाँ पहुँच गई और धान ग्रेड देखिए कम है, प्याज महंगाई भी किसान मरा जा रहा है। इधर मंदी का दौर आ गया तो धान में इतना कम मूल्य में जा रहा है, किसान तबाह हो चुका है जी। ऐसी प्रदेश में जो अराजकता बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं के साथ रेप हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा भी भाजपा ने कांग्रेस ने हमेशा बनाया है 70 साल में, भाजपा ने बेचने काम शुरू कर दिया है। लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच रही, ताजमहल बेचने की बात करें, ताजमहल होटल बेचने की बात करें, यानी ऐसी बहुत सी समस्याएं जो भी कांग्रेस ने बनाया भाजपा उन्हें बेच करके अपना पेट भर रही है और जनता को बेवकूफ बनाकर। गैसों के लिए उनके मंत्री धरना दिया करते थे, अभी कल गैस के दाम फिर बढ़ गए 13 रुपये। यानी हर जगह महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और फसलों के रेट बहुत कम मिल रहे हैं। इसलिए बगैर फसलों के जब देश का देवताई किसान है, जो जब भूखों मरने लगेगा तो बाकी लोग कहाँ से खाना खाएंगे। अच्छा, जिस तरह से ये आर्थिक स्थिति तंगी की तरफ जा रही है और बीजेपी कुछ भी नहीं कर पा रही है, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो क्या खुशहाली आएगी? उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर व्यक्ति हर वर्ग खुशहाल होगा। इससे पहले भी जब कांग्रेस सरकार थी तो खुशहाली का दौर था। अब आप देखें कि भाजपा ने फ्री कनेक्शन देने की बात कही विद्युत की, उन लोगों को कनेक्शन दे दिए जो अपने घर का खाना भी नहीं चला सकते और बिल 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन उसे किसानों की चिंता थी, उसे गरीबों की चिंता थी, उसे हर वर्ग की चिंता थी कांग्रेस को। कांग्रेस प्रदेश में सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जैसे बेसिक शिक्षा आप देखें, जैसे उसका उन्हें बेचना चाह रहे कि प्राइमरी बेच दिए गोरखपुर और लखनऊ में ट्रायल चल रहा है, यानी हर व्यक्ति को ये निकाल करके नौकरी से कहीं ऐप चालू करें, कहीं कुछ करेंगे, यानी विभिन्न ऐसी समस्याएं हैं जो चालू करके ये लोगों को नौकरी से निकाल कर 10 और 15 हज़ार में नौकरी कराना चाहते हैं। यदि प्रदेश को युवा जागरूक न हुआ, किसान जागरूक न हुआ, तो ये पूरे देश को ब्रिटिश कार्यकाल की जो स्थिति रही उससे भी खराब दौर में पहुँचाने वाले हैं। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए जी, जिलाधिकारी को हम अपनी जो हमारी हाईकमांड का निर्देश है कि हर जिले के मुख्यालय पर जाके जिलाधिकारी को उनकी समस्याओं से, जनता की समस्याएँ, प्रदेश की समस्याएँ उनसे अवगत कराना है, तो हम ज्ञापन दे करके अपनी जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराएंगे और चाहेंगे नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय से पहले तो उनका स्वागत भी हम करते हैं जनपद में कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं को सुना जाए। ऐसा न हो कि किसी के साथ घटना घट जाती है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं और न्याय न मिल पाने पर उस परिवार के लोगों को जबरिया धरने से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। प्रशासन साथ होता है भाजपा के लोगों के साथ, ये अन्याय कब तक चलेगा? यदि प्रशासन चाहता है कि किसी घटना का न्याय उसे देना है तो निश्चित रूप से पूछें। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो जनता के लोग, भाजपा के लोग को लेकर के आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आज हम लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है, किसान जो आज त्राय त्राय कर रहा है, किसान की फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने का मूल नहीं मिल रहा, उसको गन्ने का मूल बढ़ाया जाए और उसके बकाया गन्ने के मूल का भुगतान उसको तुरंत किया जाए। पराली जो जलाई जा रही है उस पराली का निस्तारण प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाए और पराली जलाने पर जो किसानों के विरुद्ध मुकदमे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, उनके विरुद्ध मुकदमे नहीं होने चाहिए, उनके मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।